हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज में 21 असिस्टेंट प्रोफेसर को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र सौंपे। सोमवार को मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नवनियुक्त हुए डॉक्टरों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेजों में 171 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा 2025 तक मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी उपलब्ध कराई जाएगी और जल्द ही 3000 नर्सिंग स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पतालों के महत्वपूर्ण पद जैसे लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन के 350 पदों पर भी जल्द भर्ती होगी। वहीं 25 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। 171 जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी हमने मेडिकल कॉलेज में भेजे हैं, सरकार की ओर से सबको बधाई दे रहा हूँ उनको कि अब मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की दिक्कत नहीं रहेगी। अभी हम एसोसिएट प्रोफेसरों के भी पद निकाल दिए हैं और प्रोफेसरों के भी जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। हमारा टारगेट यह है सरकार का कि 2025 तक हम मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी भरने का टारगेट हमने रखा है और बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अभी 3000 नर्सिंग स्टाफ भी हम रख रहे हैं और वो वर्षवार रखे जाएंगे सभी। अभी हम लोगों ने ये भी तय किया है कि जितने लैब टेक्नीशियन हैं, एक्सरे टेक्नीशियन हैं, ओटी टेक्नीशियन हैं, इनके भी लगभग 350 पदों की नियुक्तियां करने जा रहे हैं ताकि जितने भी हमारे एमबीबीएस के बच्चे हैं उनको फैकल्टी की दिक्कत बिल्कुल न रहे। और बहुत जल्दी यहाँ के ऑडिटोरियम का अब उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे अजय भट्ट जी और मैं खुद यहाँ आने वाले हैं और लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम बन गया हमारा, उसका भी बहुत जल्दी हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। MRI मशीन भी यहाँ गई है और बहुत जल्दी उसका भी हम लोग विधिवत रूप से उद्घाटन करने।